सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में लेकर आ चुका हूं फिर से न्यू कंपैरिजन वीडियो। सो गाइस, आज के इस कंपैरिजन वीडियो में आपको बताने वाला हूं गाइस, ये जो हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी का बंडल है जिसका नाम है गाइस गोल्डन फ्यूटरनेट, ठीक है, ऐसे इस बंडल का नाम है। तो गाइस, ये बंडल जो है गाइस फिफ्थ एनिवर्सरी पर आया है और थीम पर दिया। भाई बंडल तो यार ठीक ठाक है, फिर भी इतना खास मेरे को नहीं लगा। अगर इसकी कॉम्बिनेशन वीडियो आपने नहीं देखी तो यार चैनल पर मिल जाएगी लिंक, कल ही वो वीडियो डाली है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो है वहां पर आप चले जाओगे, ठीक है। तो प्लीज यार एक बार वॉच करके देखना। तो गाइस, ये जो बंडल था आया था, ये हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी की थीम पर आया था, गरीना ने जो है इसको दिया था। लेकिन गाइस, कंपैरिजन करने वाले हैं और किस बंडल के साथ करने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। गाइस, वो बंडल होने वाला है फोर्थ एनिवर्सरी पर आया था भाई, ये फिफ्थ एनिवर्सरी पर आया, वो दोनों लक रॉयल के हैं। वो है सबका फेवरेट द वन एंड ओनली पेनिट्रॉप बेस्ट रॉक बंडल, ठीक है। तो इसका आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं गाइस, ये फोर्थ एनिवर्सरी पर आया था, ये फिफ्थ एनिवर्सरी पर आया है जो बंडल है, वो दोनों सॉन्ग के ऊपर थीम है, ठीक है। दोनों की थीम एक ही है सॉन्ग, ठीक है। तो गाइस, दोनों सेम बंडल दिखते हैं, ठीक है। अब हाँ, मतलब थीम एक ही है लेकिन गाइस बंडल का लुक जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो गाइस, इन दोनों का आज हम कंपैरिजन करने वाले और देखने वाले हैं कि भाई दोनों में से बेस्ट कौन सा है। भाई अगर आपके पास है तो कॉम्बिनेशन किसका तगड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो में यही आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली यार बहुत ही ज्यादा मजेदार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल शुरू कर दे आप बिना किसी देरी के। सो गाइस, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो है गाइस हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी पर जो है बंडल, इसका हम बात करते हैं, जिसका नाम है गाइस गोल्डन फ्यूटरनेटिक, इसका बंडल का नाम है, ठीक है। तो गाइस, जो बंडल है फिफ्थ एनिवर्सरी की टीम मतलब थीम पर आया, कल ही ये बंडल आया था, कल परसों में, ठीक है। तो इसमें मैंने कॉम्बिनेशन वीडियो बता दिया, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कॉमन क्या चीज़ आती है, भाई कॉमन तो यार एक ही चीज़, दो चीज़ अगर हम माने तो वो चल सकते हैं, ठीक है। तीन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन माने तो भाई वो आती है, पहला जो इसके हेयर आता है, दूसरा तो भाई इसकी टॉप यानी कि जैकेट आती है, और तीसरी जो आती है इसकी पैंट। पैंट इतनी खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अब महंगा बंडल दिया है यार गरीना ने, भाई कुछ तो देख के देते, महंगा नहीं है होगा भाई आप पर भी, मेरा तो एक ही स्पिन में निकल जाता है किसी का तो, ठीक है। तो भाई आप बताना यार आपके पास ये बंडल है नहीं है। हाँ, दिखने में लुक काफ़ी ज़्यादा ओपी है, एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा ओपी है, लेकिन कॉमन की बात करें तो मेन चीज़ जो है बहुत मनोज लग रहा है, वो दो ही है, दो हम मान के चलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चलो तीन मान लो, ठीक है। तो दो हम इसमें ज़्यादा ज़्यादा मानेंगे। तो गाइस, इस बंडल की कॉमन की बात करें तो दो दो जो है इसके, अगर हम बात करें गाइस, दो हमारा बेस रॉक है, ठीक है। बेस रॉक वाला जो बंडल है इसके, अगर हम कॉमन की बात करें तो गाइस इसमें जो कॉमन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसके हेयर यहाँ पर, ठीक है, इसके आते हैं, दूसरी इसकी जैकेट यहाँ पर कॉमन आती है, तीसरी इसकी पैंट कॉमन आती है, चौथे इसके शूज यहाँ पर कॉमन आते हैं, ठीक है, और मास्क भी कॉमन है। अब कुल मिला के देखा जाए भाई पूरा बंडल कॉमन है, भाई पूरा बंडल की जो सारी जो मतलब पार्ट है वो कॉमन है भाई, सब इसमें आप यूज कर सकते हो, किसी के साथ भी अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। पूरा बंडल भाई गरीना ने दिया है भाई, लेकिन एकदम ओपी बंडल दिया, फोर्थ एनिवर्सरी मेरे को लग रहा है बीट कर देगी फिफ्थ एनिवर्सरी को, ठीक है भाई, क्यों काफ़ी ज़्यादा ओपी है भाई, और कुछ नहीं बोल सकता मैं इसको, ठीक है। बाकी आप मुझे बताओ ये बंडल आपको कैसा लगता है, और आपके पास है या नहीं है। फेयर डेविल में आया था, कम से कम भाई 6-7 महीने हो चुके हैं इसको, ठीक है। तो आप मुझे बताना भाई आपके पास ये बंडल है या नहीं है, कमेंट करके यार जरूर बताना, ठीक है। तो एक पॉइंट जाएगा हमारे बेस रॉक को। अगर हम बात करें भाई डिजाइन के बारे में, डिजाइन के बारे में बात करें हमारा ये क्या है बेस रॉक जो है इसके बारे में बात करें तो इसमें जो डिजाइन आता है, एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन देखो तो शर्ट में से कुछ म्यूजिक टाइप का कुछ निकल रहा है, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा कूल लग रहा है और ओपी लग रहा है, ठीक है। और देखो तो शूज में भाई, शूज में आप काफी ज्यादा ओपी एनिमेशन है, क्योंकि शूज में देखो तो कुछ मतलब सर ट्रायंगल टाइप का जो है कुछ मतलब आसपास जो है भाई घूम रहा है, तो वो काफी ज्यादा मतलब इंपरेटिव लगता है भाई, एकदम ओपी लगता है, ठीक है। बाकी गाइस यही एनिमेशन है। अगर हम बात करें फिफ्थ एनिवर्सरी के एनिमेशन के डिजाइन के बारे में तो गाइस इसका डिजाइन नेक्स्ट लेवल है, और इसका जो मतलब एनिमेशन है वो भी बिल्कुल ओपी है, ठीक है। तो गाइस अगर बात करें भाई एनिमेशन की, तो इसमें देखो तो जैकेट में भी जो जैसे गाइस हमारे बेस रॉक में कुछ एनिमेशन निकल रहे थे टाइप के, कुछ ट्रायंगल निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों बंडल की जो थीम है वो सॉन्ग के ऊपर है, तो काफी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो गाइस अगर हम एनिमेशन की बात करें और डिजाइन की बात करें तो वो लुक हमारा जो है गाइस जाएगा हमारे फिफ्थ एनिवर्सरी यानी कि गोल्डन फ्यूटर नाइट बंडल को, ठीक है। तो गाइस यार दोनों का एक एक पॉइंट हो चुका है। अगर हम बात करें गाइस परफेक्शन की, अब परफेक्शन में मैं कोई रैंडमली पैंट ये वाली रख लेता हूँ, तो परफेक्शन काफ़ी ज़्यादा ओपी बन जाती है, ठीक है, एकदम डेंजरस कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर बन जाता है परफेक्ट, ठीक है। बेस्ट नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पर जो हमारा आता है गाइस यहाँ पर बेस रॉक, ठीक है, अगर हम इसके परफेक्शन की बात करें तो एक बार यार इसको भी यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें कैसी परफेक्शन यहाँ पर देने वाला है।
तो भाई इसको भी ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो इसी पर भी मैं कोई रैंडमली पैंट जो इस पर लगाई थी वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइज इसकी जो परफेक्शन है भाई वो एकदम नेक्स्ट लेवल। अब वो क्यों क्योंकि देखो तो भाई सिक्स पैक ओपी जो है एकदम दिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है सिक्स पैक, हाँ पीछे से कुछ भाई कमर ओवर वगैरह दिख रही है लेकिन कम दिख रही है। तो भाई दोनों का यार एक एक मोमेंट यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दोनों ही बेस्ट हैं। अब भाई आप मुझे बताओ दोनों में से बेस्ट कौन से। भाई मैं तो भाई एक विनर को चूज नहीं कर सकता भाई, मेरे को तो दोनों ही बेस्ट लग रहे हैं। अब आप मुझे बताओ आपको दोनों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।